हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो अभी क्या है, उठ तो गए हैं, कॉलेज के लिए तैयार भी हो गए और देख सकते हो, लेकिन जहाँ पर सो रहे थे वो वैसे का वैसे ही है, वो करेंगे बाद में सही। और अभी क्या कहते हैं, थोड़ी देर में टाइम होने वाले कॉलेज का। मैं, मानव और चिराग तीनों अब जा रहे हैं कॉलेज। पहले दो जाते थे, अब तीन जाने लग गए, क्योंकि मानव आ गया है अपनी घर के पास से। और अभी देखते हैं बाकी चिराग क्या कर रहा है और मम्मी क्या कर रही है। तो अभी बच चुके हैं 9 और ये पढ़ाई कर रहा है आज। पढ़ाई नहीं है, कॉपी पेस्ट। क्यों? कॉपी बना रहा है। कॉपी बना रहे? बनाने की जरूरत होती कॉलेज में? सोचा तो नहीं ऐसा, लेकिन सब चीज उलट पुलट हो गई है सोच से परे। चलो बनाओ कॉपी, और पहले की तरह आपकी तरह। आज तो देसी घी से हो रहा, क्या बात, क्या खुशी है जो हमें देसी घी खाने को मिल रहा। खाने का मतलब मिलता ही नहीं। जब इसे देखो, डब्बा वैसे का वैसे ही है ना, ऊपर ही भर रहा था ये। इतने को भरा हुआ कहते हैं तो भरे हुए को क्या बोलने में। कोई नहीं है, वैसे देती है हमें रोज, मजाक कर रहा। रोटी रात की बची हुई ना है? तो बना रही, अंदर। अच्छा मैं सोच रहा रात की बची हुई दे रहे हो मैं। चलो चाय पीता हूँ, बाल अभी भी ऐसे ही है मेरे, अभी इसे सही करूँगा मैं थोड़ी देर में, मैं पहले चाय पीता हूँ। तो गाइस, तो दीक्षा को अभी मैं लेने आया हूँ यहाँ अपने स्कूल में, क्योंकि इसके प्री बोर्ड और ये आ गई यहाँ पे स्कूल, और ये मान नहीं रही, और मम्मी से जानबूझ के कह रही कि स्कूल जाए, स्कूल जाए अटेंडेंस की वजह से, और मैम कह रही कि इसे घर ले जाओ, देख लो कितना फर्क है। और अभी कहते हैं रिक्शा आ रही है, इंतजार कर रहा हूँ मैं, और छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं जैसे ही आ रहा है, अपना पुराने दिन वापस आ जा, देख कर मज़ा सा आ जाता है अलग ही। और अभी ठंड हो रही बहुत ज़्यादा, इसलिए टोपा लेकर आया गया। अब देखिए कॉलेज कैसे जाएगी, हाई इतनी धुंध हो रही है यहीं पर, इतनी धुंध हो रही तो कॉलेज में क्या होगा। मैम को बताया था, देख लो प्री बोर्ड की वजह से क्या क्या करना पड़ रहा है, और यहाँ कितनी ठंड लगी पड़ी है, और हमें देखा बाहर जाएंगे इतना। क्या हुआ? बहुत से ज्यादा यहाँ पेश करे तैयार तैयार होने के बाद, बताओ कुछ हो सकता है। भाई साहब जल्दी चलो, गोली मार देंगे मानो। मिलिट्री वाले हैं ये, अब उधर उधर उधर। आज तो भीड़ लगी हुई है, जाम ज्यादा हो रहा आज। तो आज हम खेल रहे हैं कॉलेज में वॉलीबॉल, बड़े दिनों के बाद, जैसे कहते हैं 1-1.5 महीने बाद आराम से खेल रहे हैं। हम पूरी पूरी क्लास ही हमारी, इसमें कोई और दूसरा नहीं है एक पर्सन के अलावा। और रिया कर रही है कमेंट्री हमारे पर, तो आप देख देखना कितना मजा आएगा कमेंट्री में उसकी। ये वॉलीबॉल से ना फुटबॉल पे आ गया था मैच। इधर चला मैं, ऊपर चला, नीचे गिर गया। इसने क्या किया? ये दोबारा जाती हुई, दोबारा आती हुई, और इस बॉल का सत्यानाश हो गया। कॉलेज से आ गए हैं हम, और बहुत बड़ी तेज भूख लग रही। मम्मी ने बनाए हुए यहाँ पर सोयाबीन और आलू,
तो अभी मम्मी तो ऊपर है काम कर रही है, ये रच चिरा और थोड़े से मैंने रख लिया तो खा रहा हूँ खुद से, और मम्मी तो हमें परोस के दे नहीं रही है तो हमें खुद ही खाना पड़ेगा। तो खाते हैं, खाने के बाद मिलते हैं आप। अभी बच्चों के 6:15 और मम्मी और पापा गए, और मम्मी और पापा गए हुए हैं बाहर सामान लेने, वो आज पता चल जाए। पिछली बार तो हो नहीं पाया था, कोई खराब भी आ गया जो उसमें, तो अब आएगा वो सामान क्या है, कल बाद अलमीरा है जो लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल आपने ना पता क्या कर रखा, दीक्षा की जगह ले ली बस आपने उसकी जगह ये कर रखा आपने बिल्कुल, और दीक्षा के मजे आ रहे हैं इस टाइम पूरे। हाँ वैसे कह रहे बड़े कुछ ही दिनों की बात है, कल को जाना, कल को है चलना, क्यों तबीयत खराब हो रही आपकी, चलो सही हो जाओ फिर चलना। क्या कह रहे अच्छा सामान हटाना क्या यहाँ से मीरा के लिए, चलो फिर करो, क्या करना है बताओ पहले, बस इतना सही करता सही। हमने कर दिया पहले ही आपके आने से पहले ही, वही इतना दिमाग है हमारे अंदर। हटा फिर ये कुर्सी उधर रख दिया क्यों, हाँ हाँ और क्या करना है बताओ। और नीचे चलो मुझे सरकाओ बिठा के बैठ के बस कर, सोचा था पढ़ाई कर लू बैठ के। बस बस मैं कर लूंगी अलमारी। सही है कलर तो यही बड़ा पता नहीं, तो गाइस तो ये बैठा और ये रही मम्मी जो मुझे दे रही है कॉफी, और मैं बैठूं और आराम से रात। ये लो जी अलमारी आ गई और मम्मी लगा रही कपड़े, और मम्मी यही कहना चाह रही थी मुझे भी है दीदी, ये कहना चाह रही थी ना, और उसके बाद भी ना मम्मी की संतुष्टि नहीं होने की और कहेगी एक अलमारी खोल लाओ, देख लो सारे भर गए हैं, जाए ऊपर से कपड़े ला, तुझे भी कह रहे तुझे ही चाहिए टॉफी है। अच्छा आप मुझे दे दो, खाली क्या आपने खाली, ठीक है देखे इसे कितना लगानी कोट की ऐसा ही होता है, आपने आप जैसे लगाते हो वही तो सिखा लोगे आप उसे। उस टाइम भी आंटी बन जाएगी आंटी अच्छा जब आप पहले काम नहीं करते आप इंसान नहीं थे तो जानवर, शरारती ऐसा था पता क्या है, शायद वो लड़ाई होती थी कहीं और वहां जाके खाना खाती थी ना कि सुलझाने के बजाय खुद ही बताते थे ताई जी हमें कैसे करते थे, किसका कुछ घेरते ना कब कुछ परेशान करके रखती थी मम्मी, और अब पापा जी को कर रही है मम्मी कर नहीं रहे। अच्छा हमारे सामने नहीं करते आ गए नाम लिया पापा जी का आ गए मानव आज फिर से दोबारा से कुत्ते के पीछे ईंट लेके पड़ गया, पहले फेंक रहा था छोटा अब भाग रहा गया
भाग 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 एक तो क्या कहते हैं आ गए थे हम घर पे और देख लिया मानव ने दोबारा से जग कर रहा था कुत्तों से। और आज तो बड़ी वाली ईंट पहले तो छोटी वाली ईंट फेंकी थी और दोनों के दोनों पीछे देख सकते हो सो रहे हैं दोनों हैं। और मैं जाग रहा हूँ क्योंकि मैं कर रहा था एडिटिंग और साथ में एडिटिंग हो गई और करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट में बताने आपको रिया की कमेंट्री कैसी लगी वॉलीबॉल खेलते हुए।